अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 भेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहरो फिरोज। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस का दूसरा सेशन है। आज हम इस्लामियात की किताब का सबक नंबर 5 रीड करेंगे, जो कि बाब सोम का सबक नंबर 2 है। इस सबक को आप अच्छे से सुनिएगा, इससे वाकफियत हासिल कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हम आपको सबक से वाकफियत देंगे, लेक्चर नंबर 2 में इस सबक की तमाम मशकें वक्फे वक्त के साथ आपको हल करवाएंगे। आप अपनी कॉपी मेंटेन रखिएगा, अपनी कॉपी फेयर करते आइएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का उनवान है सब्र व तहम्मुल। सबसे पहले सब्र व तहम्मुल का मफहूम जानते हैं। सब्र के मायने बर्दाश्त करना, डटे रहना और रुकना, और तहम्मुल के मायने भी बर्दाश्त करने के हैं। शरई इस्तिलाह में इससे मुराद ज़िंदगी में आने वाली तकालीफ और मसाइब को बर्दबारी के साथ बर्दाश्त करने और पुरसकून रहने के हैं। राह हक में आने वाली तकालीफ और परेशानियों को रज़ाए इलाही की खातिर बर्दाश्त करना भी सब्र व तहम्मुल है। आइए अब जानते हैं सब्र की इकसाम। डियर स्टूडेंट्स, यह उनवान आपको मिलेगा आपकी 8वीं जमायत की इस्लामियत की किताब पर सफ़ा नंबर 23 पर, जो कि सफ़ा नंबर 24 पर 25 पर मौजूद है। तफसील में यह उनवान बयान किया गया है। आइए अब जानते हैं सब्र के इकसाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सब्र व तहम्मुल की 3 इकसाम हैं। नंबर 1, अल्लाह की अतात और फरमा बरदारी में जो तकालीफ पहुँचे उनको बर्दाश्त करना। नंबर 2, दौरान ज़िंदगी बंदे को जो तकलीफ़ें और मसाइब पहुँचें उन पर सब्र करना। नंबर 3, गुनाहों को छोड़ने में जो तकलीफ़ और मुशक्क़त उठानी पड़े उसको बर्दाश्त करना। सब्र व तहम्मुल की अहमियत व फ़ज़ीलत के बारे में जानते हैं। सब्र व तहम्मुल की अहमियत व फ़ज़ीलत है, इसके मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, आयत है, उसका तर्जुमा बयान कर रही हूँ। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको बतौर आजमाइश परेशानी में मुब्तला कर देता है, ताकि वो उस पर सब्र करके आला दर्जात का मुस्तहिक हो जाए। सब्र व तहम्मुल की इस कदर अहमियत की वजह यह है कि सब्र व तहम्मुल से मुश्किलात आसान हो जाती हैं, बेचैनी और घबराहट से निजात मिलती है, और सबसे बढ़कर ये कि सब्र व तहम्मुल गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनता है, और इसकी वजह से ही अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह बकरा की आयत है, तर्जुमा बयान कर रही हूँ, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। डियर स्टूडेंट्स, ये सबक हमारा जारी है। उसके बाद जो है आप सफ़ा नंबर 26 पर आएंगे। सफ़ा नंबर 26 पर जो है आपको सवाल नंबर 5 जो है बेटा, मंदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब करें, तहरीर करें। मैंने एक सफ़ा की रीडिंग की है, बाकी 2 सफ़ात की रीडिंग आप खुद करेंगे। 2 सफ़ात की रीडिंग करने के बाद मुख्तसर सवालात हैं 3। इन तीनों सवालात के जवाब आप अपनी रफ़ कॉपी पर नोट करेंगे, लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, गज़वा उहद में कुफार ने किसको बेदर्दी से शहीद किया। सवाल नंबर 2, अपने साहबजादे की वफ़ात पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रद्द अमल था। सवाल नंबर 3, ताइफ से वापसी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई। डियर स्टूडेंट्स, इन सवालात के जवाब आपके 1 से 2 लाइन के जवाब होंगे। इस सबक से रहनुमाई हासिल करते हुए आप इन सवालात के जवाब आसानी से तलाश कर सकते हैं। तलाश करके आप अपनी रफ़ कॉपी पर लिखोगे खुशखत करके, और उसके अलावा इन सवालात के जवाब आपने याद भी करने हैं। लेक्चर नंबर 2 में इस सबक का पेयर काम आपको करवाया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।